नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज हो FIR। ब्यावरा कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। आर्मी की तैयारी कर रहे युवा ने कर ली थी आत्महत्या। सीएम को दिया संदेश। आर्मी की भर्ती निकालें, बेरोजगारी दूर करें। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर ब्यावरा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्यावरा सिटी थाना में SDOP मैम किरण अहिरवार, थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर को, पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के नाम विधानसभा नरसिंहगढ़ के ग्राम सेहत खेड़ी के युवा कुंदन राजपूत द्वारा 20 जुलाई 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम दर्ज कर बेरोजगारी का जिम्मेदार मुख्यमंत्री को बताते हुए फांसी लगा ली गई। इसी मामले में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपकर शिवराज सिंह चौहान पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नरसिंहगढ़ विधायक राजवर्धन सिंह ने कहा ही कि कोई दिग्विजय सिंह का नाम लिखकर आत्महत्या कर लेगा तो उस पर भी मुकदमा कायम करेंगे क्या। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव ने कहा कि जो लोग FIR के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए, यह कहीं लिखा है क्या, यह संभव है क्या। वहीं पूर्व नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि इस घटना का मुझे दुख है। रोजगार के कारण आत्महत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि देश को युवाओं की आवश्यकता है। जिला जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत गुजर ने कहा है कि यह कांग्रेस की नौटंकी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे पास बने रहिए। सब युवाओं को काम मिलेगा, थोड़ा समय तो लगता है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही ईमानदारी से, सेवा के भाव से, जन सामान्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजना बनाने का जो कार्य प्रारंभ किया है। लोगों से कि प्रत्येक आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाए, ये कहीं लिखा है क्या, ऐसा संभव है क्या, और जब कांग्रेस की सरकारें रही है उस समय ऐसा हुआ है क्या, ये अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कांग्रेस को। और इस प्रकार की गलत घटनाओं को तूल देकर इससे ये लगता है कि प्रेरित घटना है, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोग जो मांग कर रहे हैं इनके ऊपर FIR दर्ज हो। ये ऐसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित आदमी की विधा साहब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार हावी होती जा रही है। दिग्विजय सिंह जी ने जमीन आवंटन मामले में प्रदर्शन करा था तो उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई थी, तब से लेकर कुछ ना कुछ मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। नरोत्तम मिश्रा का पुतला जलाया गया है, शिवराज सिंह जी का पुतला जलाया गया है और अभी अपने नरसिंहगढ़ के पास गाँव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली जो आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो उसको लेकर भी जगह जगह थाने में आवेदन दिए गए कांग्रेस द्वारा कि भाई शिवराज सिंह के ऊपर FIR दर्ज करें, क्या कहना है। पानी की बौछार तो इसलिए की थी, उस दिन गर्मी बहुत थी जी, उमस बहुत तगड़ी थी और कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे थे माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और प्रशासन ने सोचा कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बुजुर्ग हैं, इतनी गर्मी में कोई बेहोश न हो जाए, इसलिए उन पर पानी की ठंडी बौछार की गई, उसमें कोई गलत बात नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया सेहत खेड़ी में, हमारे नरसिंहगढ़ गांव का लड़का है। पहली बात तो ये कि सुसाइड करना ही गलत काम है, ये जुर्म है ये, और ऊपर से किसी भी व्यक्ति का नाम लेना कि मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं उस व्यक्ति का नाम लेके सुसाइड कर रहा हूँ, ये तो और जघन्य अपराध है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसको अगर यदि मुद्दा कांग्रेस ही बना रहे हैं तो कल से कोई दिग्विजय सिंह का नाम लेकर सुसाइड कर लेगा तो क्या उनको मुकदमा कायम कर